Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So this is me, Priyanka Shikawat. I hope you all are doing great. तो एक मिनट, जस्ट अभी छत पे चढ़ के आई हूँ ना, दो मंजिल, मेरे बस का नहीं है एक बार में चढ़ना, और मैं इसको भी लेके आई हूँ, यहाँ पे खेलेगा और मैं अपने कपड़े फैला दूँगी फटाफट से, ये नीचे तो सूखने सर है, मौसम देख लो, धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है, कितने मज़े में बैठा ही है। तो अभी हम कपड़े फैलाएंगे, ये थोड़ा खेलेगा, खेलने के बाद में फिर जब मैं नीचे जाऊंगी तो उसको भी लेके जाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन। चलो तुम खेलो। भाई गिर गए लुढ़क गए। अब खेलो, बॉल गए तुम्हारी, बॉल गए इसकी, मैं पास बॉल कहाँ है इसकी, बॉल कहाँ है, अभी आवाज निकली, मन की आंखों से ढूंढो कहाँ है, आंखें खोल के देख, कहाँ है, आंखें खोल के देख, नहीं वो है, आओ आज तब तक बॉल खेलें, बॉल ये लो, ये देखो ये लो, ओए टुक टुक, वो बताएगा बाहर ना लाए, ये लो ये लो ये लो ये लो, दे डॉगी बॉल ले लो, अटो मारे तो ये लो, उसका मन नहीं है, वो पतंग लेके आया ना, देख लिया है उसने, अब वो पतंग ही उड़ाएगा, कम थोड़ी है ये, हाँ अब वो कब पतंग ही उड़ाएंगे, टुक 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 टुक, धनिया खाएंगे, पापा धनिया काट रहे हैं, अभी पॉलिथीन लेके भाग गया था, अच्छा हो जाए, अभी जाएंगे यहाँ पे धनिया, अब ये खाएगा जब ऊपर आएगा, प्लास्टिक रखी थी कहाँ कहीं, हाँ प्लास्टिक रखी थी हमने, टुक 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 क्या आओ 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 चले चलो आओ, बैठे क्यों यहाँ, खेलो चल के, ये बॉल खेलो अपनी, लो इसको खेलो, बॉल खेलो अपनी, ये वहीं जाएगा घूम घूम के, जा रहा नीचे जान दो। तो गाइस टुक टुक की शैतानियाँ तो रुकने वाली नहीं है, मैंने सोचा मैं अपना काम कर लूँ, वरना इसके चक्कर में मैं दौड़ती भागती रहूँगी, और धूप कुछ देर के लिए निकली है वो भी जाएगी चली, तो बस यहाँ पे मैं अपने जो थोड़े बहुत से डेली वेयर वाले कपड़े थे वही बस धुले थे, ज़्यादा एकदम से धोते भी नहीं हैं, और या फिर धूप नहीं निकली तो पूरे इधर सुखा उधर सुखा, इससे अच्छा मौसम देख के काम करना चाहिए ऐसे में। और गाइस यार मैं मोटी हो रही हूँ और कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कई सारे कमेंट्स आएंगे इसको लेके, तो बस ये मेरा फैट है, और मैं कम करने के समय बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच सोच के थक जाती हूँ, फिर मेरा करने का मन नहीं करता है, आई नो करना चाहिए, करेंगे, अभी मन नहीं है किस किस के साथ होता है भाई मुझे कमेंट में बताना, कि मन तो बहुत होता है पतले होने का लेकिन कुछ करने का मन नहीं होता। तो यहाँ पे मम्मी के कपड़े ऑलरेडी पड़े हुए थे, बस थोड़ी थोड़ी सी जगह बना रही थी मैं, ताकि छोटे मोटे से थोड़े से कपड़े थे मेरे वो भी आ जाएं, और निचोड़ के लाई थी मैं नीचे से, लेकिन फिर भी मैं झटक झटक के ही फैलाती हूँ, जो एक्सेस वाटर रहता है बहुत हद तक वो भी निकल जाता है, तो मेरे कपड़े बस होने वाले थे, और यहाँ इनकी पतंग में कन्ने वन्ने बांध रहे थे, वो बंद नहीं रहते सही से, मैं पहले बांध लेती थी लेकिन अब मुझे नहीं आता, और ये छोटे छोटे से सॉक्स हैं मेरे, ये वैसे भी एंकल लेंथ के सॉक्स है, धो तो और ये छोटे छोटे से बन जाते हैं क्यूट से, तो मैं फैला रही थी, पापा धनिया काट रहे थे, एक्चुअली छत पे काफ़ी धनिया लगी हुई है और बहुत बड़ी भी हो गई थी, तो काट लिया था एक साथ ही, वरना ना फिर वो येलो येलो जैसी हो जाने लगती, तो अभी धनिया तो काम चल जाता है घर पे ही, और टमाटर वमाटर भी थोड़े बहुत से बोए हुए थे और वह परेशान कर रहा है तब से, सीख रही
रॉज भी पूरी तरीके से पागल हो चुका है एलेक्स से। दूर से भौंक रहा हूँ। मैं आप में लगी पड़ी पगला गई। तुक तुक क्यों भौंक रही? मुझे अभी भी डर भी लगता है इससे। छोटा है लेकिन बहुत तेज काटता है। कहाँ? बहुत नालायक है, बहुत ज्यादा नालायक है। एकदम जैसे मोटा वाला चूहा नहीं होता वैसा लगता है ये। क्या काट रही? चुप कुछ खींच लेंगे अभी हम। दूर रहो। ये कौन सा गेम है? अरे क्या तुमको भूत दिखाई दे रहा है? तुमको भूत दिखाई दे रहा है क्या अभी से? तुमको भूख दिखने लगे? दिखने लगे हैं क्या? अरे बस कहा जाए। आई दूर आ, कूदो। अब इसको डर है कि ये कूदेगा तो इसके टांग टूट जाएंगे। सही से बोले तो उतार दे, चिल्लाती क्यों? गिराना नहीं, स्लिप होगी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एटीएम क्योंकि मुझे कुछ काम था। एक्चुअली अभी दो तीन दिन पहले मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया था भाई, अप्रॉक्स 3000। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो वापस रिटर्न आ गया क्योंकि डेबिट हो गया था और पहुंचा नहीं था जहां पहुंचना है। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो आया है वापस मेरे अकाउंट में कि नहीं। तो मैं वो चेक करने जा रही हूँ एटीएम ताकि मैं मिनी स्टेटमेंट पूरा निकाल के उसको चेक कर सकूँ। और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब बहुत पास है एटीएम, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, थोड़ी सी दूर पे है। बट हम स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि बाहर खड़ी थी तो चलो के, वरना टहलते टहलते भी जा सकते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है एज यू कैन सी। तो फ्रेंड्स 2 मिनट में ही हम लोग पहुँच गए थे और ये वाला था थोड़ा ख़राब, जिसके बाद हम दूसरा एटीएम फिर से गए थे। सो गाइस आ चुकी हूँ मैं वापस और वो वाला अमाउंट मेरा आ गया है वापस। अभी तक नहीं आया था, मैंने देखा मिनी स्टेटमेंट में भी नहीं दिखा रहा था। देन फिर मैंने कंप्लेन करी एंड विद इन, मतलब यूनियन बैंक इस मामले में बहुत अच्छा लगता है, कंप्लेन करते ही विद इन 2 से 3 घंटे में आ गया मेरा अमाउंट वापस। आई एम हैप्पी फॉर दैट। और आ गई हूँ मैं अपने ये सारे कपड़े वापस उतारने। सूखे हैं कि नहीं पता नहीं, डोंट नो, लेट मी टच। एक बार तो वैसे मैं पलट चुकी हूँ इसको, थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है अब उतार लेती हूँ वरना ओस से फिर गीले पड़ जाएंगे। पता नहीं गीले हैं कि ठंडे हैं, मतलब सूखे तो नहीं है प्रॉपर पर गीले भी नहीं है, एक तो ठंडे ठंडे लग रहे हैं, मेरे हाथ भी हल्के गीले हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सूख चुके हैं कुछ गीले हैं, इलास्टिक वाला जैसे लोअर ओवर पड़ा है ना तो उसकी इलास्टिक गीली है, बाकी सारे तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं कपड़े। तो अभी मैं उतारी हूँ अपने ये सारे कपड़े और आज बहुत हेक्टिक रहा दिन यार, मतलब कई सारे लोग कंटिन्यू आते गए बैक टू बैक। और मेरा काम था बस चाय बनाना, मैं सबके लिए बार 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 चाय बना रही थी बराबर। तो अभी नाना भी आए हुए हैं, आज ही आए हैं, तो चलो चलते हैं नीचे। और आज बनने वाली है मटर मशरूम की सब्जी, शायद मैं ही बनाऊँ, तो लेट्स सी। अभी तो खैर टाइम है, थोड़ा और हो जाए फिर बनाऊँगी। तब तक बॉयल वॉयल जो करना है फटाफट कर देते हैं, शायद मम्मी कर भी दी होंगी। तो बस ऐसे ही निकल रहे हैं, बस दिन पता नहीं चल रहे हैं। 3 को आई थी मैं, 10 हो गई है, 14 को फिर वापस चली जाऊंगी। तो यस गाइस चलो चलते हैं नीचे अब। और नीचे आते ही मम्मी ने चाय बना रखी थी तो ये भी शाम की चाय पी रहे थे, मैं भी पी रही थी, तो हम लोग वीडियो कॉल पे बस ऐसे ही बात कर रहे थे थोड़ा बहुत सा। और
वीडियो कॉल पे हम लोग बातें कम एक दूसरे से चिढ़ाते ज़्यादा रहते हैं, तो बस वही कर रहे थे क्योंकि बहुत रेयर होता है कि हम लोग साथ में चाय पिए, तो फिर ऐसे वरना दिन में एक दो बार तो वीडियो कॉल हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी सब्जी थोड़ी सी देर में, तो यहाँ पे गरम तेल में मेरा प्याज फ्राई हो रहा है और बाकी सब्जियाँ सारी कटी हुई हैं। यहाँ पे मसाला मैंने पीस लिया है और मसाले में ना जो खड़ा मसाला होता है वो भी मैं इसी लहसुन प्याज अदरक मिर्चे इसी में ही मिला देती हूँ बाकी, क्योंकि वो अलग से जो होता है ना तो फिर निकालने में मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं खाती भी नहीं हूँ, तो इसमें ऐसे पिस जाता है टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया मिर्चा हल्दी गरम मसाला और यही सब जो पड़ता है बाकी मसालों में, तो ये सारा कुछ डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया है और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी ऐड किया है, तो बस इसको भूनेंगे। और सब्जी आप ना आपको तो पता ही होगा यार, मतलब जितना ज़्यादा भूनो उसको जितना टाइम तक धीमे आंच पे भूनो उतनी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसको प्रॉपर बहुत अच्छे से भून ले रही हूँ जब तक तेल ना छोड़ दे। तो ये पूरा भून जाने के बाद में दो तीन बार मैं ढक के इसको पका ले रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बारीक कटे हुए टमाटर छोटे छोटे से, तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे टमाटर ऐड किए हैं, नन्हे नन्हे से थे तो मैंने 3 डाल दिया था, और बनाने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि पूछो ही नहीं। तो फटाफट से बार बार ढक के स्टीम में पका के धीमी आंच पे पका के, तो सब्जी जितना टाइम लेके बनाओ ना उतनी टेस्टी बनती है। इसके बाद जब मसाला प्रॉपर अच्छे से हो गया था तो ऐड कर दिया मैंने इसमें मटर, सेम मटर को भी थोड़ी देर इसमें चलाते रहेंगे, और मिक्स कर दिया मैंने उसी अपने मसाले में, और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब येलो येलो सा मसाला ग्रीन ग्रीन सी मटर काफ़ी टेस्टी लग रहा था मुझे तो देखते ही। यार ये दिखाती हूँ मैं आपको भी, ये देखो है ना बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा था देखने में। तो लगे हाथ में ना अपने बर्तन भी क्लीन करती रहती हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि मैं फैलाती रहूँ, तो अभी मैंने मटर जैसे डाला अपनी कढ़ाई में तो कटोरी हो गई थी हमारी खाली, तो मैंने यहाँ साइड में लगा दिया है। इसमें ही ये करछुल वगैरह रख दूँगी क्योंकि इधर उधर आपको हर जगह मसाला लगता है, तो बाकी फिर जो कटा हुआ मशरूम बॉयल्ड रखा हुआ था वो भी मैंने इसी में मिला दिया। अब मशरूम की प्लेट भी खाली हो गई थी, तो लगे हाथ मैंने बस पानी से धो के उसको रख दिया है। जितना बर्तन फैला हो ना फिर वो फैलता रहता है और लास्ट में लगता है कि यार बहुत बर्तन हो गया, तो मेरा तो ये फंडा रहता है मतलब करते जाओ और बर्तन हटाते भी जाओ वहीं से, तो लास्ट में फिर इतना हैक्टिक नहीं लगता है। साथ इसको मैं चलाती रहूँगी, और मम्मी ने आटा वगैरह लगा दिया है, बस पूड़ियाँ बनाना है क्योंकि पापा ने बोला है कि मटर मशरूम के साथ पूड़ी खाएंगे। वैसे मुझे तो रोटी भी पसंद है पर पूड़ी भी खा लेते हैं। और हो गई है हमारा अच्छा खासा भुन चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे वाटर, और पानी ऐड करने का काम हमेशा मम्मी करती है, मैं पूरी सब्जी बना देती हूँ बस पानी का अंदाज़ा हो रहता है लेकिन कभी पतला कभी वैसा हो जाता है, तो जब पूरा प्रिपेयर हो जाती है सिर्फ लास्ट में पानी डाल के उसको छोड़ देना होता है, तो वो काम मम्मी का है, अभी नहीं हमेशा से यही करते हैं शुरू से ही जब से मैंने सीखा है। तो ये हो गई हमारी सब्जी तैयार जो कि बहुत यम्मी लग रही है, आप लोग भी ट्राई करो। ओके गाइस, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइस लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।